अभी ये क्या कर रहे हैं अब्बू? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सुबह बखैर। मुझे जरा मेरा चश्मा ढूंढो, मुझे मिल नहीं रहा है यार। जी अब्बू, चश्मा नहीं मिल रहा आपका? चल मैं देख देता हूँ। ये तो रहा अब्बू। वैसे खैरियत, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए? जी जी अब्बू, खैरियत है, बस जरा एक काम था मुझे, वो पूरा करना था तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ गया। अच्छा, वैसे ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ पे? अब्बू लगता है मेरे दोस्त आए हैं, आवाज मार रहे हैं वो, देखो जरा। अच्छा चलो तुम बात करो, मैं आता हूँ जरा। ठीक है ठीक है अब्बू। जी चाय पियेंगे या पानी पिलाऊंगा? जूस पिला। चलो पानी लाता। बात करनी है बोलो यार। बात ये है कि अनस को गाड़ी लेनी है और एक गाड़ी पसंद है। अच्छा हाँ भाई, गाड़ी ले रहे हो? अरे हाँ हाँ, बात ये है कि जहाँ से मैं गाड़ी ले रहा हूँ ना, उस शोरूम मतलब जिस शोरूम से ले रहा हूँ, उस शोरूम की लोकेशन हाईवे से भी आगे थी, तो मैंने सोचा कि हम तीनों एक साथ चल लेते। यार हाईवे, यार अब्बू नहीं जाने देंगे। अबे चलना, अब्बू को कौन बता रहा है कि हाईवे जाए, बस बताना करीब ही जा रहे। यार देख यार, अब्बू को बगैर बताए नहीं जा सकता यार मैं। अबे चलना यार, दफिया ये बहुत, चल ले यार। यार चलो यार, देखता हूँ मैं, कुछ करता हूँ। देखा यार, मैं कहता था ना ये मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा, आज देख भी लो। हाँ लगता है तुम सही कह रहे। यार तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? रुक जाओ यार, मैं कुछ करता हूँ, रुक जाओ। बात ये है, मुझे ना दोस्तों के साथ ना करीब भी जाना है काम से, तो मैं जाऊँ? तो जरूरत नहीं है सुबह सुबह जाने की। भाई अबू जाने दे, मुझे काम है दोस्तों। तेरा हालात सही नहीं है बाहर के, इस वक्त जाना सही नहीं है इतनी सुबह सुबह। जी जी अबू मैं देखूँगा, जाने दे। देखो मान लो मेरी बात, नहीं जाओ। जी जी वो मसला नहीं है, देखूँगा। भाई देखो बात सुनो मेरी, मैंने ना अब्बू से इजाज़त ले ली, अब्बू कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन यार देखो जल्दी आना है, सही है? हाँ हाँ यार सही है। चलो ठीक है, चलते हैं। आओ बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। लगी वगी है क्या तुम लोग पे? मेरे तो इतनी नहीं लगी थी। हाँ उसी एक्सीडेंट में लगी। आओ अभी बात करते हैं, मैं हारिस को बुलाकर आता हूँ जरा। हेलो
अरे यार यार इस घर में और भाई आरिस कैसे हो? बस यार तुम लोग सुनाओ, मैं ठीक हूँ। और तुम लोगों के दादा लगी तो नहीं थी उस दिन? नहीं नहीं यार, बस अक्सर के थे, छोटे आएंगे। यार मेरे तो बस ये टांग में ना लग गई थी, ये पता नहीं टिशू विशू डैमेज हुए हैं। और भाई कैसे आना हुआ तुम लोगों को? बंका बस आरिस की तबीयत मालूम करना है। बेटा तबीयत तो इसकी सही है, देखो मैं उस दिन तुम्हें मना मैंने लोगों को कहा था, नहीं लेके जाओ। उन्होंने कहा तुमको बता दूँ करीब जा रहे हैं, हम चलते हैं, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। नहीं यार, आपको बात समझनी चाहिए थी, जब मैं आपको समझा रहा था तो क्यों नहीं समझा? गलती हो गई थी मुझसे। इसलिए भाई आप लोग को भी बोला है, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, बहुत नुकसान देंगे आप देख सकते हैं, और दोस्तों की सोबत में कभी ना हो। तो इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप की नाफरमानी ना करें, उन्हें बगैर बताए दूर नहीं जाए, उनको जहाँ जा रहे हैं उनको बता कर जाएं, और उनका हर बात में कहना माने। बस यही हमारा वीडियो का सबक है, ताकि आप लोग को अच्छा मैसेज मिले। होप सो आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।